नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन, आर्थोस्कोपिक सर्जन, आज आपको आर्थोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बताऊंगा। हड्डियों की स्पेशलिटी जिसको ऑर्थोपेडिक सर्जरी बोलते हैं, उसके आधुनिकतम ब्रांच आर्थोस्कोपिक सर्जरी है। आर्थोस्कोपिक सर्जरी का मतलब यह होता है कि हम एक दूरबीन ज्वाइंट के अंदर डाल देते हैं और ज्वाइंट की अंदर की संरचना को हम दूरबीन से देख पाते हैं और ठीक कर पाते हैं। ये तकनीक एक आधुनिक तकनीक है और इस तकनीक के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा कि ये तकनीक क्योंकि दूरबीन से होती है, इसलिए इसमें काफी मैग्निफिकेशन होता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म आपके जॉइंट के अंदर जो तकलीफ होती है, जोड़ के अंदर जो तकलीफ होती है, उसको हम इससे पकड़ सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। जो चीज नंगी आंखों से ना भी दिखाई दे तो भी दूरबीन उस चीज को पकड़ सकता है। साथ ही साथ दूरबीन में फायदा यह होता है कि दूरबीन अंदर से बाहर की तरफ भी देख सकता है। अगर हम कोई भी सर्जरी करते हैं तो डॉक्टर की निगाह अंदर बाहर से अंदर की तरफ जाती है, परंतु हमें अगर अंदर से बाहर की तरफ देखना है तो वो हम नहीं देख पाएंगे। जबकि दूरबीन जब हम अंदर डालते हैं तो हमें 360 डिग्री का व्यू मिलता है, हम अंदर से बाहर की तरफ भी देख सकते हैं। मतलब जब दूरबीन अंदर चला गया तो हम दूसरी तरफ भी उसको दूरबीन को घुमा के देख सकते हैं, जिससे हम छोटी से छोटी तकलीफ को भी पकड़ सकते हैं। और कई ऐसी तकलीफें जो पहले ओपन सर्जरी में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, पकड़ नहीं पाते थे, वो हम अब दूरबीन की सर्जरी करके पकड़ सकते हैं और उनका इलाज भी कर सकते हैं। दूरबीन की पद्धति को हम कीहोल सर्जरी भी बोलते हैं और इस सर्जरी में हम छोटी छोटी बीमारियों को भी ट्रीट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये सर्जरी दूरबीन से की जाती है तो इसमें स्कार बहुत ही कम आते हैं, तो इसमें कोई निशान शरीर पर नहीं छूटता है जो दिखने में खराब लगे। साथ ही साथ आपकी ऑपरेशन के बाद की जो रिकवरी है वो भी बहुत क्विक होती है। जो ऑपरेशन के बाद का रिहैबिलिटेशन है वो बहुत क्विक होता है। आपको जो फिजियोथेरेपी करने की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम हो जाती है। सर्जरी का ड्यूरेशन भी क्योंकि दूरबीन से करते हैं तो बहुत लंबा नहीं होता है, सर्जरी का ड्यूरेशन भी कम होता है और रिकवरी का ड्यूरेशन, फिजियोथेरेपी का ड्यूरेशन जो हम ऑपरेशन की बात करते हैं वो भी काफी कम हो जाता है। ऑपरेशन में जो होने वाला दर्द है उसकी मात्रा भी बहुत कम हो जाती है क्योंकि इसमें तो किसी तरह की चीरफाड़ तो होती ही नहीं है। तो इस पद्धति के कई सारे फायदे हम देखते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पद्धति में कई सारे नए एडवांसमेंट हो गए हैं जिसके कारण से हम जो है इस पद्धति को और ज्यादा रिकमेंड करते हैं। ब्लड लॉस की अगर हम बात करें तो इस पद्धति में ना के बराबर होता है क्योंकि हम दूरबीन से पूरे का पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं, तो ब्लड लॉस या खून का बहाव इस पद्धति में बहुत ही कम होता है। किसी भी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस, जैसे खून का थक्का जमना, इन्फेक्शन होना या और कोई भी अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स होने का खतरा इस प्रोसीजर में मिनिमम होता है। जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनमें भी ओपन सर्जरीज की तुलना में ये प्रोसीजर दूरबीन से जो हम करते हैं वो ज्यादा सेफ माने जाते हैं। आजकल इस पद्धति में कई सारे एडवांसमेंट आते हैं जिसको हम हाई डेफिनेशन स्कोप बोलते हैं। हाई डेफिनेशन स्कोप छोटी से छोटी बीमारी को पकड़ सकता है और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हमें इमेज निकाल के देता है। साथ ही साथ हमारे पास मोटराइज्ड शेवर और मोटराइज्ड इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो अंदर ऐसे से घूमते हैं और अंदर से जो आपके जो अंदर का जो जॉइंट के अंदर का कचरा है वो सारा सक करके बाहर खींच लेता है। साथ ही साथ हमारे पास एक रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस नाम की चीज होती है जो कैप्सूल को भी श्रिंक कर सकता है। अंदर अगर कोई खून की छोटी छोटी नसें हैं तो उनके जो खून का बहाव है, वो जो ब्लड लॉस है उसको भी पकड़ सकता है और जो टिश्यू है उसको भी वेपोराइज कर सकता है। तो इसके बड़े सारे फायदे होते हैं। साथ ही साथ हमारे पास एडवांस्ड हैंड इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिसके द्वारा हम काफी सारी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज भी अब दूरबीन के द्वारा कर सकते हैं। जो पहले सर्जरी सिर्फ ओपन सर्जरीज में की जा सकती थी, अब वो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज भी हम दूरबीन के द्वारा आसानी से संपादित कर सकते हैं। अगर आपको भी कोई भी प्रश्न है दूरबीन के द्वारा सर्जरी करने के बारे में जिसको आर्थोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।